नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन और भी हमारे पास लगातार आ रहा था जिस पे हमने रिसर्च किया और काफ़ी चीज़ों को थोड़ा एनालाइज किया, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा इसको आंसर देने में कि व्हाई डिड पीपल लीव बायजूस जॉब। यानी बायजूस जो है एक आप जानते ही हैं बहुत बड़ी कंपनी है जो आजकल इंडियन क्रिकेट को फाइनेंस भी करती है टीम को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे भी और बहुत जगह पे भी टीवी में भी इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, मगर बहुत सारे लोग हैं जो इसका नौकरी पकड़ रहे हैं या बायजूस जिनको जॉब दे रहा है मगर बहुत तेज़ी में वो जॉब पकड़ रहे हैं और उतनी ही तेज़ी में वो जॉब को छोड़ के जा भी रहे हैं। तो इसका ये कारण जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि इतने तेज़ी की संख्या में लोग बायजूस को छोड़ रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय जो हैं वो ज्वाइन करने के एक महीने दो महीने बाद ही छोड़ के चले जाते हैं, इसका कारण जानना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ तक हमने स्टडी किया कि बायजूस एक कंपनी है जो ऑनलाइन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाती है और रजिस्ट्रेशन करवा के बच्चों को क्लास वन से लेकर ट्वेल्व तक का ट्यूशन की तरह उनका वीडियोज़ होता है जिसमें वो लोग पढ़ाते हैं। कुछ लोगों को वो रिक्रूट करती है जो वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट पर, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और कुछ लोगों को वो हायर करते हैं एज ए इंजीनियर के नाम पे कि हाँ आपको टेक्निकल काम दिया जाएगा, मगर जब उनको जॉब दिया जाता है तो उनको जॉब जो मिलता है वो मिलता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में इनका क्या जॉब होता है कि आपको इस एक एरिया में स्टूडेंट का डाटा दे दिया जाता है या उनका घर का एड्रेस दिया जाता है, आपको डोर टू डोर विजिट करना है, डोर टू डोर जाना है और अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है। यानी डोर टू डोर स्टूडेंट के पास जाके उनके घर में उनके गार्जियन से मिल के उनको बायजूस के बारे में बताना होता है और उनको बच्चों को बायजूस के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके लिए वो कुछ फीस वगैरह भी चार्ज करते हैं। तो ये जो कारण है सबसे बड़ा कारण है नौकरी छोड़ने का, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सेल्स का आदमी है या MBA किया हुआ है या मार्केटिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके लिए सेल्स करना ठीक है, वो अपना जो काम है वो कर रहा है, डायरेक्ट जा रहा है आ रहा है लोगों के पास। मगर अगर कोई इंजीनियर है जो टेक्निकल काम सीखा हुआ है या बीटेक किया हुआ है, अगर उसको डोर टू डोर जाके सामान बेचने के लिए या ई कॉमर्स का वेबसाइट बेचने के लिए या फिर मान लीजिए जाके उसका बायजूस का प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको भेजा जाए तो एक दो दिन के लिए, दस दिन के लिए ठीक है, मगर प्रैक्टिकल में वो चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है। यानी उस जॉब के लिए वो सूटेबल बनता भी नहीं है और उसको वो काम पसंद भी नहीं आता है। इसी वजह से मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो बायजू को ज्वाइन करते हैं और मगर जैसे ही उनको सेल्स में दे दिया जाता है या सेल्स प्रमोशन में दे दिया जाता है या घर घर जाके बच्चों को एडमिशन कराने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो जॉब में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते और जॉब को छोड़ कर चले जाते हैं। यही एक कारण सबसे बड़ा है जो बायजूस को छोड़ के लोग जो जॉब कर रहे हैं वो जा रहे हैं। पैसा बहुत देती है मगर जो वर्क है वो उनके अकॉर्डिंग टू नहीं है, इस वजह से मैक्सिमम लोग छोड़ जाते हैं। तो आप भी अगर बायजूस में ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन करने वाले हैं या जानते हैं तो पहले आप उनका टर्म्स कंडीशन देख लीजिएगा कि अगर वो इंजीनियरिंग के नाम पे आपको प्रमोशन में ना लगाएं और घर घर जाके आपको बेचने में ना लगाएं। अगर मार्केटिंग है आपका काम तब तो ठीक है, मगर आपका पोस्ट कुछ और है और काम कुछ और है तो फिर ठीक नहीं है। यही कारण है जो सबसे ज़्यादा बायजूस को छोड़ के लोग जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि हमारा आंसर जो है आपको ठीक लगा होगा और अगर आंसर ठीक लगा होगा तो आप कमेंट्स में और भी कोई सब्जेक्ट के ऊपर जानना चाहते होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसका भी जवाब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे और बता देंगे। और अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या PDF या इन्फॉर्मेशन भी उसके रिगार्डिंग चाहिए होगा तो आप हमसे बोलिएगा, हम आपको मेल ID पे या दिए हुए WhatsApp नंबर पे आपको शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।